हाँ आप सोच रहे होंगे आइसक्रीम कोन में, सर आइसक्रीम नहीं है, तो अगर आइसक्रीम वाला कोन लेके आऊंगा तो जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तक ये पिघल जाएगा। सो इसीलिए मैं बिना आइसक्रीम का कोन लाया हूँ, और लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। हाय गर्मी, गर्मी बहुत लग रही है ना बच्चों। सो इस गर्मी के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए आइसक्रीम कोन, और यस इसी कोन के जरिए हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कोन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 13 है ये क्लास 9 में भी और क्लास 10 में भी। सो इस गर्मी को दूर करते हैं आइसक्रीम कोन के जरिए एंड लेट अस स्टडी अबाउट द कोन, क्योंकि अगर कोन है तो इसका सरफेस एरिया तो होगा, बिल्कुल सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा, तो लेट अस स्टडी। सो मैंने यहां पे कोन बना दिया है। अब कोन है तो इसकी एक हाइट है, ठीक है, हियर यू कैन सी द हाइट, दिस वन इज द हाइट, और ये है आपकी हाइट h, ठीक है, इसको ले लेते हैं हाइट h, h से डिनोट करेंगे। अब कोन के बेस में या टॉप पे एक सर्कल बनता है, क्या बनता है, सर्कल। तो जब सर्कल है तो सर्कल का क्या होगा, रेडियस, वेरी गुड, तो ये है आपका रेडियस, ठीक है, और रेडियस को हम डिनोट करेंगे r से, रेडियस r। अब कुछ एक्स्ट्रा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पिछली बार हमने सिलेंडर पढ़ा तो सिलेंडर में स्ट्रेट हाइट थी, और आप देखते हैं कुछ पुराने घर में कुछ स्लोपिंग बनाया जाता है, यानी कि जो उनका रूफ होता है वो स्लोपिंग पोर्शन में होता है कुछ इस तरह से, और ये है आपकी यस स्लैंट हाइट, इसको स्लैंटिंग हाइट कहते हैं, ये स्ट्रेट हाइट एच है और ये है आपकी स्लैंट हाइट। मैं स्लैंट हाइट को इधर ले लेता हूँ, जो आपका ये होगा ये पोर्शन स्लैंट हाइट, वही स्लैंट हाइट ये भी होगी, तो ये है आपकी स्लैंट हाइट, क्या है, स्लैंट हाइट, यस एस एल ए एन टी स्लैंट हाइट, और इसको डिनोट करते हैं एल से, तो उस हिसाब से ये हो गया आपका एल, ठीक है। सो कोन के अंदर एक स्लैंट हाइट है, दैट इज एल, वन मोर इज रेडियस आर, एंड हियर यू कैन सी द स्ट्रेट हाइट, हाइट एच जो कि स्ट्रेट है, स्लैंट हाइट को हमने एल ले लिया, ठीक है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये जो कोन है वो है राइट सर्कुलर कोन, क्या, राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, यस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यहां पर 90 डिग्री होगा, सो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इन साइड्स का कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, समटाइम्स रेडियस दे दिया, हाइट दे दिए, स्लैंट हाइट नहीं दिए, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है तो स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके बीच का जो रिलेशन है तीनों साइड्स का वो देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो ऑब्वियसली जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एल स्क्वायर is equal to base square, यानी बेस में रेडियस है तो r square, plus आपका ये हाइट है that is h square, तो using this format आप राइट सर्कुलर कोन की स्लैंट हाइट ढूंढ सकते हैं, हाइट ढूंढ सकते हैं, रेडियस ढूंढ सकते हैं, अगर कोई भी दो साइड दी गई है तो थर्ड साइड आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो कोन में तीन चीजें हैं, एक तो स्लैंट हाइट है, एक हाइट है और एक रेडियस है। सिलेंडर हमने जो डिस्कस किया, सिलेंडर में क्या था, सिर्फ आपका रेडियस था और हाइट थी, उसमें स्लैंटिंग पोर्शन नहीं था, इसमें स्लैंटिंग पोर्शन है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वो स्लैंट कर रहा है, ठीक है, स्लैंटिंग पोर्शन है, और अगर सामने से देखे तो एक स्ट्रेट हाइट होती है, ओके। हाँ आप सोच रहे होंगे आइसक्रीम कोन में, सर आइसक्रीम नहीं है, तो अगर आइसक्रीम वाला कोन लेके आऊंगा तो जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तक ये पिघल जाएगा, सो इसीलिए मैं बिना आइसक्रीम का कोन लाया हूँ, और लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, आप भी खाइएगा, मैं भी खाऊंगा आइसक्रीम कोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्लैंट हाइट हो गई, हाइट हो गई, रेडियस हो गया, अब बात करते हैं, हाँ पहले तो आपको ये जरूरी है, तो ये आपको अवेलेबल हो जाना चाहिए, जो भी नई गिवन है वो आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ठीक है,
इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं, ठीक है, हम इन शॉर्ट इसको कोन कहते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, अब आपका जो सर्कल है वहां पर स्लैंटिंग हाइट आ रही है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा क्या, पाई आर एल, क्या बनेगा, पाई आर एल, यह है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब कर्व्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कर्व्ड पोर्शन है, ठीक है, जो घुमा हुआ पोर्शन है ये कर्व्ड। अब इस तरह से रख दिया है तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया काम है, लेकिन अगर ये कॉर्नेटो का कोन है तो ऊपर एक सर्कुलर डिस्क रखी होती है जिससे इसको क्लोज किया जाता है। आप कॉर्नेटो का कोन खाइए या तो अमूल का और वाडीलाल का, वट एवर द कोन, आपके नट्स के ऊपर एक रिंग रखी रहती है, एक सर्कुलर डिस्क रखी होती है जिसको आप निकालते हैं, ठीक है। और अगर मैं कर्व्ड सरफेस की बात करूं, कर्व्ड सरफेस समझाने के लिए, तो जितने पोर्शन में वो पेपर इसके ऊपर लिपटा हुआ होता है ना, वो पेपर जो हम निकालते हैं ना, उतना पोर्शन आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ऊपर रख दिया अगर एक सर्कल तो हो जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया, ऊपर सर्कुलर रिंग का एरिया ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला बनेगा क्या, देखिए कर्व्ड सरफेस तो आएगा ही आएगा, मस्ट है, टोटल यानी पूरा आ जाना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस आ गया प्लस बॉटम में एक सर्कल है, उस सर्कल को क्लोज किया गया, तो एक सर्कल का एरिया ऐड कर दीजिए, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और इजी कर सकते हैं क्या, कॉमन निकाल के, पाई आर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर, तो पाई आर एल भी हो जाएगा, पाई आर जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिल गया, यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला है आपका ये, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे स्लेंट हाइट एल का इस्तेमाल हुआ, रेडियस का यूज हुआ, बट ये हाइट का तो कोई काम ही नहीं लगा। तो यस, हाइट काम में आएगी कहाँ, वॉल्यूम में, कहाँ पे, वॉल्यूम, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया हो गया, अब बात आ रही है वॉल्यूम की। जब वॉल्यूम की बात आती है ना, तो ना कुछ कर्व्ड होता है ना कुछ टोटल होता है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम है। इस कोन पे अगर वो रिंग रखी हुई हो या नहीं हो, डजंट मैटर, उसमें आइसक्रीम तो उतना ही आएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। रिंग रखने से थोड़ा सा ऊपर के नट सेफ हो जाते हैं, अदरवाइज रिंग नहीं भी रखो तो आइसक्रीम उतनी ही समाएगी जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। सो वॉल्यूम यानी कैपेसिटी, तो ना टोटल होता है ना लेटरल होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या होगा, कम ऑन राइट इन द कमेंट बॉक्स, थोड़ा सा आप भी कम्युनिकेशन करिए कि क्या होगा फॉर्मूला, ये आपको भी बताना है। तो मैं इसको इंटरकनेक्ट करूंगा किसके साथ, सिलेंडर के साथ। एक सिलेंडर जिसकी हाइट और रेडियस सेम हो दिए गए कोन से, तो ठीक है फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। तो एक सिलेंडर बराबर है तीन कोन के वॉल्यूम से, एक सिलेंडर का वॉल्यूम तीन कोन के वॉल्यूम के बराबर है, तो एक कोन का कितना होगा, तो 1/3 कर दो किसको, सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये एक्टिविटी कंडक्ट करके ये बनाया गया फॉर्मूला। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका है, सिलेंडर का है, उसको 1/3 कर दो, 1/3 कर दो तो कोन का मिल जाएगा, सिंपल। तो यहां पे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैंने इसीलिए सबसे पहले लिखा है कि आपको पहले ये फाइंड करना होगा। आप अगर जो भी ढूंढ रहे कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढ रहे और आपको स्लेंट हाइट एल दिया ही नहीं है तो कैसे ढूंढेंगे, और वहां गलती नहीं करनी है आपको, हाइट की वैल्यू नहीं रखनी है, ध्यान रखना है कि वहां पे क्या यूज होगा, स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट अलग होती है, स्ट्रेट हाइट अलग होती है। स्लेंट हाइट इज डिनोटेड बाय एल, एंड आपकी जो स्ट्रेट हाइट है उसको हमने डिनोट किया है एच से, ठीक है। सो केयरफुली डील करना है, और उसके बाद इस रिलेशन को यूज करके आप
एल फाइंड कर सकते हैं, आर या एच किसी को भी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी दो गिवन होने चाहिए, थर्ड फाइंड हो जाएगा, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया और फिर वॉल्यूम एंड फिर फाइनली क्या खाएंगे, आइसक्रीम कोन। सो गाइस वीडियो खत्म करके, वीडियो आई होप कि आपने पूरा देखा होगा तो समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आइसक्रीम खा लीजिए। सो गुड बाय एंड टेक केयर।